ये बड़ी खबर के साथ भरतपुर से ये बड़ी खबर है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा है कल और परीक्षा के चलते 25 फरवरी और 26 फरवरी को इंटरनेट बंद रहेगा। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। भरतपुर संभाग आयुक्त सावरबल वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि चुनौती है इस परीक्षा को ठीक से करवाना और इसको लेकर के हर जो मुमकिन कोशिश है वो करना चाहता है प्रशासन भी, लेकिन साथ ही इसमें तृतीय शिक्षक श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षा के चलते 25 और 26 दो दिन, हालांकि 25 से लेकर 1 तारीख तक परीक्षाएं हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी लिखित तौर पर सामने भरतपुर से आई है, भरतपुर संभागीय आयुक्त सावरवन वर्मा की ओर से आई है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि 25 और 26 दो दिन तक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक भरतपुर में इंटरनेट बंद रहेगा। और देखिए, नेट बंदी को लेकर लोगों के मन में संशय अभी भी बना हुआ है। अलग अलग जिलों में चुकी परीक्षाएं इस तरह से आयोजित करवाना एक तरीके का टास्क ही है और 2940 कुल केंद्र बनाए गए हैं जहां पर ये परीक्षा आयोजित होने वाली है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में हो सकता है कि अगले कुछ और दिनों के लिए फिर जो नेट बंदी है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन फिलहाल जानकारी 25 और 26 तारीख की लिखित तौर पर। पूरी जानकारी के साथ भरतपुर से सहयोगी रवि जुड़ गए। रवि, शिक्षक भर्ती परीक्षा को एक बार ठीक से संपन्न करवाने की कोशिश के तहत नेट बंदी की जानकारी भरतपुर से सामने आ रही है, क्या पूरी अपडेट इसके पास आपको अब तक पहुंची? देखिए, भरतपुर के जो संभागीय आयुक्त हैं सावरमल वर्मा, उन्होंने अभी एक आदेश जारी किया है जिसमें साफ तौर पर कल जो और परसों दो दिन जो होने वाली परीक्षा है लेवल फर्स्ट और सेकेंड रीट की, उसको लेकर जो इंटरनेट की सेवा है वो 25 और 26 को सुबह 6 बजे से और शाम को 6 बजे तक बंद रहेंगी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस चीज को लेकर आदेश जारी करें। उनका कहना है कि कोई भी जो रोक है वो ब्रॉडबैंड को छोड़ के, रिलीज लाइन को छोड़कर जो दूसरी सेवा है इंटरनेट और सब पर लागू होंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो परीक्षा होनी है शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हो, कोई अफवाह ना फैले, इस चीज को लेकर भरतपुर संभागीय आयुक्त ने एक दिन पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं। चलिए रवि, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें।